हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द लेंथ ऑफ अ सोनोमीटर वायर इज 0.75 मीटर एंड डेंसिटी इज 9 इंटू टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। इट कैन बियर स्ट्रेस ऑफ 8.1 इंटू टू द पावर 8 मीटर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विदाउट एक्सीडिंग द इलास्टिक लिमिट। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द वायर इज, तो हमें यहाँ पर वैल्यू बतानी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की। तो बच्चों हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अपने की कॉन्सेप्ट की। देखिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा दैट विल बी सी। जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है न्यू, so nu is equals to, if we call this nu naught, is equals to 1 by 2 L square root of T by mu. यहाँ पर T हमारा जो है, this T is tension, mu is the mass per unit length, so this is mass per unit length, और L हमारा क्या है, L is our length over here, और mu naught जो है हमारी, this is fundamental frequency, ठीक है, तो ये हमारी क्या है, this is our fundamental frequency. तो ये तो हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया। अब चलिए चलते हैं आगे। अब हमें पता है जो टी होता है, टेंशन इज इक्वल टू क्या होता है, टेंशन इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया और फोर्स इनटू एरिया, वी कॉल इट, सो वी मे कॉल इट स्ट्रेस इनटू एरिया। यहां से अगर आप वैल्यू निकालें तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंशन इनटू एरिया, तो उसी से हम निकालिए टेंशन इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। और म्यू जानते हैं, म्यू इज इक्वल टू होता है एम बाई एल, मास पर यूनिट लेंथ, और मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से, तो ये हो जाएगा एल, और वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ से, तो दैट इज इक्वल टू ए एल बाई एल। तो ये कट गया। सो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू की वैल्यू आ गई हमारी रो ए, और टी की वैल्यू आपको पता ही है, टी की वैल्यू कितनी हमें, हमने यहाँ पर निकाल लिया है, द वैल्यू ऑफ टी दैट वी हैव फाउंड ओवर हियर इज स्ट्रेस इनटू एरिया, सो लेट मी कॉल दिस एज स्ट्रेस इनटू एरिया, राइट। अब इन सभी वैल्यूज को यहाँ पर रख देंगे तो देखते हैं रखने के बाद क्या होता है। सो वी आर गेटिंग म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 बाई 2 एल स्क्वायर रूट ऑफ स्ट्रेस इनटू एरिया डिवाइडेड बाई रो ए। तो रो ए से ए कर गया तो क्या आपको मिल गया, आपको मिला स्ट्रेस अपॉन रो, राइट। हम इसको वैल्यू रखते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं, तो 1 बाय 2 इनटू द वैल्यू ऑफ एल इज गिवन टू अस एज 0.75 मीटर्स, ठीक है, इसको स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर हमें स्ट्रेस दे रखा है 8.1 इनटू 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पर दे रखा है, तो इसको ऐसे रख देते हैं उठा के, और हमें 9 इनटू 10 की पावर 3 जो दे रखा है डेंसिटी दे रखी है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, यू विल गेट द वैल्यू एज 1/1.5 स्क्वायर रूट 9 9 जा, यहाँ पर हो जाएगा, सॉल्व करेंगे और ये हो जाएगा 10 की पावर 5, ठीक है, 10 की पावर 5 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0.9, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर 4, इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 2 स्क्वायर से बाहर, ये हो जाएगा 1.5, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी कि आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट वैल्यू इज 200 हर्ट्ज। यही हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 200 हर्ट्ज़। तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।